सकते हैं व्यू इधर। हम लोग गांव से बिलोंग करते हैं, पूरा जंगली एरिया है, पहाड़ी इलाका दिखाते हैं ठीक है आपको पूरा जूम करके। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अरुण कुमार, एक बार फिर से नीड इंटरेस्टेड यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो मैं ही हूँ अरुण कुमार, जो नीड इंटरेस्टेड यूट्यूब चैनल को चलाता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं दोस्तों कि मैं वीडियो क्यों नहीं अपलोड कर रहा था, इसका ये 5-6 कारण है ठीक है। और पहला कारण हमारा कि मैं ट्यूशन पढ़ाता हूँ ठीक है, मतलब लगभग 3 से 4 बैच पढ़ाता हूँ। आप पीछे खुद देख सकते हैं, आपको कुछ दिख रहा होगा। इतना सारे बच्चों को संभालने के बाद वीडियो अपलोड करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो काफ़ी रीज़न है कि मैं क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। आप लोगों की सपोर्ट की वजह से नीड इंटरेस्टेड काफ़ी ग्रो हो चुका है, क्योंकि इसमें लगभग अच्छे से अच्छे कंटेंट मिलता है। क्योंकि फालतू का कंटेंट देना लगभग समय की बर्बादी ही होता है ठीक है। तो मैं बताता हूँ कि क्यों वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, उसका रीज़न बता देता हूँ ठीक है। तो पहला हमारा ट्यूशन, तो ट्यूशन में लगभग तीन बैच पढ़ाता हूँ, जिसके कारण से मुझे वीडियो अपलोड करने में बहुत कठिनाई होता है ठीक है। और इसके लिए दूसरा कारण हमारा है चैनल रिलेटेड, यानी एक महीने के लिए मेरा चैनल जो था वो डिलीट, यानी कि मतलब स्थिति में आ गया था ठीक है। इसके कारण से मैं कुछ भी अपलोड नहीं कर पा रहा था, कम्युनिटी पोस्ट भी नहीं कर पा रहा था, इसके कारण से वीडियो नहीं आ रहा था। तीसरा हमारा है, हम लोग मतलब जो है ना एक विलेज एरिया से मतलब बिलोंग करते हैं, ऐसे में हमें मतलब पढ़ाई करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है ठीक है। तो कंटेंट जुगाड़ करने के लिए काफ़ी लंबा संघर्ष करना पड़ता है, और इतना समय देने के बाद YouTube में आना एक इम्पॉसिबल जैसा लगता है। अगला जो है वह खुद की पढ़ाई है, तीन टाइम बैच पढ़ाना है, खुद की पढ़ाई करना है, YouTube में डालना है, फिर कॉलेज पढ़ाई करने जाना है, ऐसे में काफ़ी कम ही समय मिलता है। तो इस कारण से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था, लेकिन अब प्रयास करूंगा कि लगातार वीडियो आएगा ठीक है। तो यहाँ पढ़ाई में कैसा लगता है आप लोग बताओ? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो थोड़ा लेट करना है कि अभी जाना है घर, लेट करके जाए। तो आप मतलब कल से सुबह कर दिए, तीन टाइम कर दिए ठीक है, एक सुबह मेरा बैच रहेगा, एक दोपहर रहेगा और एक शाम को रहेगा। तो जिस टाइम तुम लोग आना पढ़ने आ सकती है ठीक है, आ सकता है सुबह 6:30 बजे से ट्यूशन है, और एक है 3 बजे से, और दूसरा है और तीसरा है 5 बजे से। तो तीन टाइम में आपको जिस टाइम में आना है आ सकती है ठीक है। तो जिसका जिसका हो गया वो कर जा सकती है। We'll be right back.